हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ीम। मोहम्मद आज़ीम, कौन सी आपका बैचडेट बताइए? 28 सितंबर 2020 में सर। 2020 में 28 सितंबर 2020 में। कितना समय हो गया आपको? एक साल होने आया लगभग है ना, सितंबर टू सितंबर है ना। एक साल हो गया और एक साल के ऊपर 13 महीने हो गए। आपने 13 महीने की ट्रेनिंग ली थी, 13 महीने पहले जब आए थे, जब सीखने आए थे, और 13 महीने काम किया, दोनों में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है। जब मैं पहला आया था तो लगभग फ्रेशर ही था, इतना कुछ आता नहीं था। बाकी यहाँ आने के बाद में मेरे को बहुत कुछ मिला। तो आपने ट्रेनिंग तो 1 महीने की ली होगी, 1 महीने में आपको क्या मिल गया था, थोड़ा बताएंगे मेरे को, विस्तार से बताएंगे आप? अगर कोई बच्चा है, सपोज वो ये वीडियो देख रहा है आपका, है ना, ये वीडियो देख रहा है, तो अगर ट्रेनिंग लेना चाहता तो उसके मन में एक प्रश्न होता कि सर मैं 1 महीने की ट्रेनिंग में क्या सीख जाऊँगा। तो आप हमारे व्यूअर को बताएंगे कि 1 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या सीख सकते हैं? तो सीख तो बहुत कुछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब कोई काम सिखाया नहीं जाता है, नॉलेज मिलती है। अब ऐसा है कि रास्ता दिखा सकते हैं सर लोग जो भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में भर देंगे कुछ के बोले तुम सीख गए जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सीखोगे। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो कोई आना चाहता है तो आ सकता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सीख पाएगा। दो खासियत बताइए ऐसे टेलीकॉम की, कि दो खासियत सबसे अच्छी आपको क्या लगी यहाँ की? सर एक तो बैकअप, मतलब आप सर कभी दे दोगे, आपका कोर्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप डबल से आ सकते हो बिना टेंशन के, बिना फीस के। एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ क्या अच्छी लगी आपको? सर यहाँ का सिखाने का तरीका, और सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से कोई महीने 2 महीने वाला टीचर दिखता है यहाँ पर कि महीने 2 महीने काम करा और यहाँ बैठ के तुमको ट्रेनिंग दे रहा है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब जितने भी हैं बहुत नॉलेज है सरों को यहाँ के। और देव सर हैं हमारे, वो बहुत अच्छा थ्योरी उनका बहुत अच्छा है। मिलन सर हैं जो कि हमारा एमएमसी कराते हैं, और दुर्गेश सर जो कि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर बताते हैं। बाकी यहाँ पर सारा कुछ अच्छा है। अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख पाएगा यहाँ पे। यहाँ कुछ बातें होती हैं, कुछ के बोले वहाँ पे गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोबारा यहाँ पर आए, अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बैकअप के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैकअप के लिए मना कर दिया जाएगा कि बोले नहीं चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज भी कोई नहीं लगता है। यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन कैसा है? यहाँ कंधे पर हाथ रख के काम सिखाते हैं कि मतलब आपको स्ट्रिक्टली केवल यहाँ पर पढ़ाई की बात होती है, इसके अलावा कोई बात होती है दूसरी? नहीं सर फालतू बात कोई नहीं, बस पढ़ाई और काम, है ना। कितने घंटे की क्लासेस होती थी तुम्हारी? सर 12 घंटे चलता था। सवेरे कब आते थे तुम वहाँ पे जो उस टाइम? सर 8 बजे से। 8 बजे आते थे। और जाते कब थे हॉस्टल वापस? सर 8 बजे तक तो था ही शाम में, बाकी 8 से ऊपर भी हो जाता था टाइम। जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम लेट भी हो जाते थे, 10 भी बज जाते थे कभी कभी। 8 से 8 तो था ही कन्फर्म, 8 से 8 पक्का था। 12 घंटे की क्लासेस आपकी पर डे होती थी। अपन कंपैरिजन करें दूसरे इंस्टीट्यूट में तो यहाँ कोई 10-15 दिन वाला कोर्स होता है क्या? नहीं सर 10-15 दिन। 10-15 दिन में कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं, 10 से 12 दिन 15 दिन में कोर्स खत्म हो जाता है कि मतलब आपका सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा, आपका हार्डवेयर भी हो जाएगा, आपका एमएमसी भी हो जाएगा। 10-15 दिन में हो सकता है? नहीं सर ये मुमकिन ही नहीं है सर, 10-15 दिन में कोर्स होना मुमकिन ही नहीं। खाली 10 दिन तो आपकी एमएमसी चलती है यहाँ पे, है ना, 5 दिन आपका सॉफ्टवेयर चलता है और 15 दिन आपका हार्डवेयर चलता है कि नहीं? बराबर सर, बिल्कुल। कितना टाइम तो चाहिए ना। हार्डवेयर में कितने सेक्शन होते हैं? 14 से 15 आपके सेक्शन होते हैं हार्डवेयर में, जी सर, है ना। लाइट, ग्राफिक्स, चार्जिंग, साउंड, डेट, नेटवर्क, और बहुत से हैं सेक्शन सर, है ना। माइक्रो जंपरिंग होती है, माइक्रो जंपरिंग में प्लास्टिक कंपोनेंट होते हैं, निकालना लगाना बताते हैं आपको, आईसी माउंट करना बताते हैं, जी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि उठा के पहले दिन आया सॉफ्टवेयर पढ़ा दिया, दूसरे दिन आया तुम्हारे को डेट सेक्शन करवा दिया। नहीं सर सिस्टमेटिक होती है ना, पहले दिन कंपोनेंट पढ़ाते हैं, पूरा नॉलेज देते हैं। जी सर बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको बैकअप क्लास लेने के बाद? बहुत अच्छा। आपके जो डाउट्स लेके आए थे वो, है ना, जो आप साल भर में डाउट्स लेके आए थे, तो वो क्लियर हुए कि नहीं आने के बाद? सर हाँ काफ़ी हो चुके हैं। अभी 4 दिन का क्लास बाकी है, हाँ। उसमें भी वो सारे हो जाएंगे। 2 दिन में ही बहुत क्लियर हुआ यहाँ पे आने के बाद में। प्रोग्रामिंग में थोड़ा प्रॉब्लम थी, वो बहुत आसानी से सर ने बताया, मिलन सर ने, कि बहुत ईजी कर दिया प्रोग्रामिंग को भी। और अभी थोड़ा डबल टेकर CPU A50 वगैरह का वो चल रहा है, तो भी उसमें बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताओ मेरे को कि आप जब आए थे 2019 में, जब ड्यूल CPU था क्या? नहीं तो उस टाइम तो कोर्स का कंटेंट नहीं था। फिर एशिया टेलीकॉम को क्या जरूरत पड़ी कि आपको डबल से मतलब ड्यूल CPU बता रहा है? बताओ मेरे को, उस टाइम में ड्यूल CPU 2019 की बात करें हम, 2019 में ड्यूल CPU था क्या? नहीं सर इतना नहीं था। बाकी कोई फ़ोन था तब इतना प्रॉब्लम भी नहीं था, है ना। अब प्रॉब्लम आ रहा है तो सर आप अपडेट भी दिया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अपडेट तो दे रहा है ना आपको टाइम टाइम से ऐसे देने का, कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं ले रहे सर? कुछ नहीं है, कोई ये पीपीटी का चार्ज, स्टेंसिल का चार्ज, फ्लक्स का चार्ज, यहाँ बैठने का चार्ज, कोई नई फीस ये तो नहीं मांगी ना? कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज डेवलप कर CPU कैसे रिवॉल्व करके लगाना, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टैग करके मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिवॉल्विंग बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल डेकर किया। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस स्टेंसिल से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना डबल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा डुअल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने डुअल डेकर किया सर। डुअल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।